इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्य संघ बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आपका स्वागत है कार्यक्रम तपोभिनंदना एवं भव्य आर्य का दीक्षा समारोह में। शाश्वत तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी के मध्यलोक परिसर में 2 एवं 3 दिसंबर 2021 को मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महोत्सव सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में तपोभिनंदना एवं भव्य जैनेश्वरी त्रय आर्य का दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। 3 दिसंबर के दिन मुनि श्री महोत्सव सागर जी महाराज का 186 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत महापारणा किया गया। इसके साथ ही श्रीमती सुशीला देवी बड़जात्या गुवाहाटी, ब्रह्मचारिणी शकुंतला बाई जी असम एवं श्रीमती बबली बाई जी मुंबई को मुनिश्री द्वारा आर्य का दीक्षा प्रदान की गई, जिसमें भक्तों को पावन भूमि पर आयोजित हुए इस अद्भुत समारोह में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करने का सौभाग्य अर्जित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 दिसंबर को भक्तों ने आचार्य के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। जैनेश्वरी दीक्षा की शुभ बेला पर नन्ही मुन्ही बालिकाओं द्वारा भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया गया। भक्तिमय प्रस्तुति के बाद दीक्षार्थियों के परिजनों एवं अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद भक्तों को मुनि संघ की संघस्थ माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो आज उनकी तपस्या पूर्ण होने जा रही है, परम पूज्य महोत्सव सागर जी महाराज, जिनके बारे में हम क्या बताएं, उनका जीवन ही पूरा तपस्या में ही गया है। जिन्होंने अपनी माता, जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया उनको कि उन्होंने अपने जीवन में पूरा एक जीवन संयम में बना। कठिन चुना फिर विचार पड़े
इस पावन अवसर पर बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल ने मुनि श्री महोत्सव सागर जी महाराज की महिमा का गुणगान किया। देश के लिए इतने बड़े तपस्वी संत को दे दे, पूरे देश के लिए इतने तपस्वी संत को दे दे। घर में रहते तो घर की तपस्या परिवार के लोग ही देखते और उषा भाभी देख पाते, लेकिन जब एक मुनिराज ने एक मुनि को बनाया, अपने तपस्वी वंश को मुनि बनाया और आज वो पूरे देश में पुण्य सागर जी की ख्याति महोत्सव सागर जी के नाम से हो गई। इतना ही नहीं, देश भर से उपस्थित हुए भक्तों ने मधुर कंठ की धनी बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का बड़े ही उत्साह के साथ सम्मान किया। दीदी के सम्मान के बाद भक्तों ने पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी एवं मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद लिया। गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान करने के उपरांत भक्तों ने पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। मुनि संघ का पाद प्रक्षालन होने के बाद भक्तों ने पूज्य तपस्वी मुनिश्री 108 महोत्सव सागर जी महाराज को कमंडल एवं मां जिनवाणी प्रदान किया।
तदोपरांत एक बालिका ने भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद महिलाएं अपने मस्तक पर मंगल कलश लेकर गुरुदेव के समक्ष पहुंचती हैं, जहां वीणा दीदी ने मुनि श्री 108 महोत्सव सागर जी महाराज के व्रतों का गुणगान किया। क्योंकि जिस मुनि को रिद्धि हो जाती है वो हमको दिखती नहीं है, लेकिन दिखने नहीं दिखने के बाद भी वो मुझे हमको इतना फल देती है, इतना फल देती है कि वो वचनों के अगोचर है। और वो वास्तव में मैं खुद अनुभव कर रही हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव कर रही हूँ कि आज इतना बड़ा यश किसी को मिलना या इतना बड़ा सब कुछ कार्यक्रम सफलता के पूर्वक होना, ये सब कुछ मेरे गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद, मुनि महोत्सव सागर जी महाराज जी का भी आशीर्वाद है। मुनि श्री 108 महोत्सव सागर जी महाराज के कठिन तप ने प्रत्येक भक्त को प्रभावित किया। यही कारण था कि भक्तों ने गुरुदेव को श्रद्धा पूर्वक नवीन पिच्छी प्रदान की और पूज्य श्री की पुरानी पिच्छिका ग्रहण करने का असीम पुण्य लाभ भी लिया। इस पावन अवसर पर उपस्थित हुए अनेक अतिथियों का महोत्सव समिति के सदस्यों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्र भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों को पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज का प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये कोई सामान्य तपस्या नहीं है। जिस तपस्या का नाम सुन करके व्यंग्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाया करते हैं, ये तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या का नाम सुनते ही व्यक्ति कांपने लगता है, घबराने लगता है। जो व्यक्ति एक टाइम भोजन नहीं छोड़ सकता, एक दिन नमक घी शक्कर नहीं छोड़ सकता, वहीं पर आज वर्तमान में हमारे साधु ऐसी उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हुए अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट का खेल, जब जब भी भारत देश किसी के साथ में खेल खेलता है या अन्य देश के लोग भारत के साथ में क्रिकेट खेला करते हैं,
बहुत बड़ी खुशी होती है। आप लोग जब मैच देखते हैं, जब बैट्समैन अपने जीवन में कोई तो रन बनाता है, कोई क्लीन बोल्ड हो जाता है और कोई जो है अपने जीवन में चौका मार देता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्तमान में तब के फील्ड में उतरे हुए हमारे मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज ने रन भी बनाए और अपने जीवन में तपस्या का ऐसा चौका लगाया जिसके कारण आज इनकी तपस्या से सारा जन प्रभावित है। गुरुदेव का प्रवचन श्रवण करने के बाद भक्त तपस्वी मुनि श्री 108 महोत्सव सागर जी महाराज के महापारणा से उत्साहित नजर आ रहे थे, जहां सभी श्रावक 186 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रतों के साधक का मन वचन और काय की शुद्धि के साथ पड़गाहन कर रहे थे। मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज, जिन्होंने 186 दिन में 153 उपवास करते हुए सिंह निष्क्रीडित व्रत की तपाराधना की, जिसका पारणा किया गया। इस दौरान भक्तों ने पूज्य मुनिश्री का श्रद्धा भाव के साथ पारणा कराया। मुनिश्री का महापारणा होने के बाद आर्यका दीक्षा का क्रम आरंभ हुआ, जहां मुनि संघ एवं भक्तों ने दीक्षार्थियों के साथ कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया।
इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने एक बार पुनः आचार्यों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत दीक्षा से पूर्व दीक्षार्थियों ने गुरुदेव के समक्ष अपनी भावना व्यक्त की। ये अवसर आ जाएगा, आपकी ऐसी कृपा हुई, मैं धन्य हुई प्रभु। गुरु महोत्सव सागर जी महाराज को मैं कितने गुणगान करूं, उसके मैं उनके लिए तो मैं बार बार सोचती हूं कि मैं जब यहां आई तो मुझे उन्होंने ही उत्साहित किया। वो ही मुझे कहे कि अब तो पीछे मत हट, तुझे आगे बढ़ना है। तू क्या सोच रही है, कितने दिनों से बस मेरे मन में और इच्छा जागृत हो गई कि मुझे ये काम अब करना है। मैं बिना दीदी से जाकर के कही, बिना दीदी अब मुझे कैसे ये क्या करना है। बिना दीदी ने कहा तू दृढ़ हो जा, और गुरु पुण्य सागर जी महाराज के पास मुझे बुलाया। और महाराज जी ने पूछा, महाराज जी बोल रहे तेरी क्या इच्छा है। मैंने कहा महाराज श्री मेरी तो एक ही इच्छा है, मैंने आपको ही गुरु माना है, मैं और कहीं गई भी नहीं हूँ, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे संयम के मार्ग पर बढ़ना है। मैं सभी परिवार से सब जनों से क्षमा चाहती हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, मैं भी सभी क्षमा से मैं सबको क्षमा करती हूँ। जीवन में वैराग्य तो कभी भी आ सकता है, मेरे तो वैराग्य के भाव 10 सालों से चल रही है। सुपाशमती माता जी के पास मैं रही, उन्होंने मेरे को दीक्षा लेने के लिए कहा, लेकिन मेरा उस समय पुण्य नहीं था जो अकस्मात माता जी का देवलोक हो गया, लेकिन उनके ही प्रताप से मैं, उनकी इच्छा से मैं इस धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। उनके यही भाव थे कि तू तेरी परिवार का, तू तेरा नाम रोशन कर, तू दीक्षा लेकर के सबको गौरव होना, उन्हीं का मेरे उस सिर पर आशीर्वाद है, उन्हीं के प्रताप से मैं आगे बढ़ रही हूँ। पुण्य सागर जी महाराज को मेरे पुण्य प्रताप से श्री में दीक्षा लेने के सबको क्षमा, सबसे क्षमा सब। हे स्वामी वैराग्य तो जीवन में अभी भी उमड़ सकता है, मैंने दीक्षा का भाव बड़े समय से बनाया है, लेकर दीक्षा का अवसर अब आया है। दीक्षा समारोह के दौरान उपस्थित सभी भक्तों को पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज का प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैनेश्वरी आर्य का दीक्षा को प्राप्त करने के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। संसार में वैराग्य हर किसी को नहीं होता है, विरले प्राणियों को वैराग्य होता है। संसार में अनेकों प्रकार के निमित्त भरे पड़े हैं, जिस समय निमित्त मिलता है और उपादान जागृत हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री हमें मिल जाती है, तब जाकर के जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, संयम की प्राप्ति अपने जीवन के अंदर होती है। आपके पाले की गेंद हमारे पाले में आ रही है। जहां आज इन तीन भव्य आत्माओं ने यह मंगलमय प्रार्थना की, सबसे पहले मैं उनके परिवारों से, धर्म के माता पिताओं से पूछना चाहूंगा कि तीन भव्य आत्माओं ने भावना व्यक्त की है, उन्हें दीक्षा प्रदान करे या ना करे। जब तक आपकी स्वीकृति नहीं होगी तब तक जो है हम दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे। परिवार के लोग, धर्म के माता पिता लोग अपनी स्वीकृति दें, इसके बाद आगे की बात। सभी लोग हाथ ऊपर करके बताइए दीक्षा लेनी है क्या।
मुनिश्री के प्रवचन के बाद दीक्षार्थी दीदियों का केश लोंच किया गया। दुखों की है अपारता, संसार की असारता। दुखों की है अपारता, जो उलझ गई तो कुछ नहीं, जो सुलझ गई तो शाश्वत। जो उलझ गई तो कुछ नहीं, जो सुलझ गई तो शाश्वत। संसार की असारता, दुखों की है अपारता। संसार की असारता, दुखों की है अपारता। जो उलझ गई तो कुछ नहीं, जो सुलझ गई तो शाश्वत। जो उलझ गई तो कुछ नहीं, जो सुलझ गई तो शाश्वत। इसी बीच भक्तों ने पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज का भक्तमय पूजन किया। गुरुवर पुण्य सागर चरणों में शत शत नमन हमारी हो। पुण्य सागर महाराज तेरे विवाह में आए हैं। अरे पंच परावर तो को गुरुवर विकसित करके आया हूँ। मुक्ति पथ को पाने मुनिवर अखंड अक्षत लाया हूँ। शिष्य मनोहर अजित छुरी के ज्ञान ज्ञान अनुरागी हो। गुरुवर पुण्य सागर चरणों में शत शत नमन हमारी हो। लागी लागी रे हो मन में लागी रे, दोनों हाथ खोलकर 1 2 3 4 लागी रे लगन गुरुवर थारा नाम री। लागी लागी रे लगन गुरुवर थारा नाम री। माला जपता हूँ मैं तो पुण्य सागर नाम की। माला जपता हूँ मैं तो पुण्य सागर नाम रंगिया। गुरुवर पुण्य सागर अरे प्यारी प्यारी सूरतिया। गुरुवर पुण्य दीक्षा देने वाला दे रहे हैं और लेने वाले ले रहे हैं और हम सब मिलकर के अनुमोदना कर रहे हैं। ये दीक्षा क्या चीज है? आचार्य कहते हैं कि साधना की आराधना का नाम है दीक्षा। Thank you.
गुरु पूजन के बाद पंडित हंसमुख जी जैन का सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। जीवन भर दिगंबर साधुओं की सेवा करते गए, उनके हाथ में एक दिन पिच्छी जरूर आती है, क्योंकि वो गुरुओं का वरदान होता है। मैंने पिछले कई समय से देखा आचार्य अजित सागर महाराज जी की सेवा, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी की सेवा, पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री पुण्य सागर महाराज श्री की सेवा, रुग्ण साधुओं की सेवा, बीमार साध्वियों की सेवा, त्यागी व्रतियों की सेवा, और उन्हें हिम्मत बंधाना, उन्हें हिम्मत बंधाने का काम, चाहे वो शरीर से क्रश या बीमार रहते हो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत देने का काम करते हैं। आज इस सभा में यदि सबसे बड़े अभिनंदन के योग्य कोई है तो वो वीणा दीदी है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, और मैं क्या करूंगा, पूरी समाज करेगी, सारे साधु संत आशीर्वाद देंगे कि हर संघों में ऐसी सेवा चंद्रिका वीणा दीदी तैयार हो, ताकि संघ की अभिभावनाओं को समझ करके साधुओं को उचित उपचार दे सके, साधुओं को उचित औषध दे सके, साधुओं की उचित व्यवृत्ति में सहयोग कर सके, और साधुओं को उचित आहार देने में अपना योगदान कर सके। मैं दीदी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और उनको एक अभिनंदन पत्र देने की इच्छा है। तदुपरांत महोत्सव समिति एवं गुरु भक्तों ने मुनि श्री की संघस्थ वात्सल्य की मूर्ति बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी का सादर पूर्वक सम्मान करते हुए अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इसके बाद भक्तों को आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का मांगलिक प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। देवे सत्ते मुड़ रही जे विद्वेश करे, अड़िय में पावंत सो संसार भूमि, देव सास गुरु इन तीन के श्री चरणों में विद्वेश बुद्धि इसकी है, वो नियम से स्वीकार कीजिए, उस जीव का दोष नहीं है, उसका दीर्घ संसार भी है, इसलिए ऐसा करना उसका नियत है। जब भी किसी के मस्तिष्क में निर्गंत मुनियों को देख करके आंख मोड़ने का भाव करे, निर्गंत वीतरागी अरहंत को देख करके मन में क्लेश आए, वीतराग वाणी सुनने के लिए मन मेरे मित्र कुपित होने लग जाए, उस व्यक्ति का संसार भी दीर्घ है। तो देवसा गुरु को देख करके, देवसा गुरु को देख करके जैसे शमेर मधुवन के शिखर पर बागल की गर्राहट सुन करके, मेघों की आवाज सुन करके मयूर नाचने लगता है, ऐसा देवसा गुरु का नाम सुनते ही जिसका मन नाचने लग जाए, वो संसार का अंत करने भगवान बनने वाला जीव है। इस धार्मिक सभा के मध्य ही भक्तों को आचार्य श्री एवं मुनि श्री के अनुपम वात्सल्य की झलक देखने को मिली, जिसे देख सभी भक्त भाव विभोर हो गए। इसके उपरांत भक्तों ने दीक्षार्थियों की दीक्षा हेतु चौक पुराया और मंगल गीत गाए। चौक पुराने के बाद मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से त्रय आर्य का दीक्षा संस्कार प्रदान किए। शांति
शांतिनाथ शांति ग्रह सर्वनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पराकृत शत्रु नाशनाय सर्व क्षाम नाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रौम रहस्या उषा दीक्षा संस्कार प्रदान करने के उपरांत मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से नवीन दीक्षार्थियों के नाम की उद्घोषणा की, जिनमें श्रीमती सुशीला देवी जी बड़जात्या का दीक्षा के बाद आर्य का श्री 105 निर्णयमती माता जी, ब्रह्मचारिणी शकुंतला बाई जी का दीक्षा के बाद आर्य का श्री 105 निश्चयमती माता जी एवं श्रीमती बबली बाई जी का दीक्षा के बाद आर्य का श्री 105 नियममती माता जी नाम रखा गया। जो सुशीला बहन जी थी उनका नामकरण जो है आर्य का निर्णयमती माता जी, आर्य का निर्णयमती माता जी की। और हमारी शकुंतला बाई जी जो शिलापथार आसाम से है, जो इनका नामकरण निश्चयमती माता जी, आरिका निश्चयमती माता जी की, आरिका निश्चयमती माता जी की। और बबली देवी थी उनका नामकरण जो है नियममती माता जी, आरिका नियममती माता जी की। नामकरण होने के उपरांत गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षार्थियों को पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र आदि प्रदान किए गए। दीक्षा के बाद त्रय आर्य का माता जी ने श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मुनिश्री के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। त्रय आर्य का दीक्षा संपन्न होने के बाद
3 दिसंबर के कार्यक्रम का सहानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ धर्म लाभ लिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य संघ बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल।